नमस्कार जी। सर, आज कितने खुश हैं किसान, क्योंकि सरकार कहीं भी पूरी की पूरी नजरें किसानों के ऊपर है। देखिए, खुशी तो है, एक बहुत बड़ी जीत है। एक साल लोगों के ने मेहनत की है ना, उसमें आज कुछ फल मिला है, तो उसकी खुशी एक तो अलग उसकी खुशी है। दूसरी जो सबसे बड़ी खुशी है वो इस बात की है, हमें देखिए, हम पंजाब और हरियाणा, देश बिखरा था इस आंदोलन से पहले, आज देश इकट्ठा होना शुरू हुआ। पंजाब और हरियाणा दो गए थे, जिस दिन गए थे आज एक होकर आए हैं, ये सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये है। और हम यहाँ से एक रास्ता लेंगे इसी आंदोलन से कि देश की आज़ादी के लिए, मैं आज़ादी शब्द वर्त रहा हूँ, क्योंकि WTO ने जिस तरीके से अपने पंजों में हमारे देश को जकड़ रखा है ना, अब उससे देश को निकालना है, ये हमारे जिम्मे है और काम, और वो हमारा कोई भी स्टेट अकेला लड़कर वो नहीं ले सकता। जिस तरह का इस बार आंदोलन पंजाब और हरियाणा ने किया है, ऐसा आंदोलन पंजाब और हरियाणा मिलकर पूरा हरियाणा भी निकल पड़े, पूरा पंजाब भी निकल पड़े, उससे लड़ना फिर भी मुश्किल है। अभी पूरे देश को इकट्ठा करना, एकजुट करना जरूरत है उस बात की। आपकी हमेशा सरकार से बातचीत होती रहती थी, आप खास मेंबरों में से एक थे, अंदर तक भी जाते थे, सरकार का रवैया कैसा था किसानों के साथ में बातचीत करते वक्त? देखिए, सबसे अजीब बात तो ये रहती थी, जब सरकार बातचीत करती थी ना जी, जिस आदमी को उन्होंने अधिकृत कर रखा था, उस आदमी को कोई अधिकार दिया ही नहीं था। खेतीबाड़ी मंत्री बात करता था, जितना उसको बता देते थे इतना काम बोल दो, उतना वो बोल देता था, उससे आगे एक शब्द नहीं निकलता उससे, उसके मुंह से पढ़ा के भेजा जाता था, आपने इतना ही बोला, तोते की तरह पढ़ाकर भेजा जाता था। सवाल इस बात का है, एक दिन सबसे बड़ी अजीब बात मैं आपके माध्यम से बतानी चाहता हूँ पूरे देश को, इन लोगों ने क्या किया, जब चार दिन हमारी बैठकें होती रही और एक एक कानून के एक एक क्लॉज पे बहस हो गई, तो जब इन लोगों को ये पता चला कि ये किसान किसी को कोई आई गई नहीं दे रहे, क्या बात है इसमें, तो ये जो वास्तुशास्त्र के को BJP वाले खूब मानते हैं, तो इनको किसी ने ये बता दिया होगा कि ये तो भाई गलत दिशा की ओर आपने बिठा रखे हैं। और अब चौथे दिन फिर हमारी चेयर उस साइड पे कर दी, अपनी चेयर इस साइड पे ले आए। तो मामला क्या है कि जिन जिस सरकार के नुमाइंदों का ये हाल हो, वो देश को कैसे चलाएंगे? जो ये इस धारणा पे टिके हुए लोग हों, वो देश नहीं चला सकते। सो कुछ भी नहीं है, मैं ये मान रहा हूँ इन लोगों को बिल्कुल बेअकली है। अगर मानने यही बात करनी थी ना कि भाई देश को अगर नहीं अच्छा लगता, किसानों के भले के लिए बनाया गया है, नहीं किसानों को अच्छा लगता, वापस लेते हैं, पहले दिन वापस कर लेते तो कुछ नहीं होता था। हमारा 700 गया, 700 किसान शहीद हुआ, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उनका भी सत्यानाश हो गया। अलग अलग स्टेटों में BJP का ग्राफ इतना नीचे चला गया कि जिस दिन चुनाव से पहले 66% BJP का ग्राफ था, इनकी लोकप्रियता थी, और आज वही लोकप्रियता इतनी घट गई है कि केवल 13% पे आ गए हैं। इतना लॉस हुआ है, लेकिन बेपरवाह इतने बेहुदा लोग हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं कि हमारा आगे वाले की का नुकसान करते हैं तो उससे ज़्यादा तो हमारा हो रहा है। ये क्या समझदारी है सरकार की? तो ऐसा तो मैं तो मेरा तो अनुभव ऐसा है कि ये सब मूर्खों की सरकार इकट्ठी हुई है। आपको पता होगा जो किसान शहीद हुए हैं, सरकार ने उनको शहीद नहीं माना था, क्या अब शहीद मान रही है या फिर अभी भी मामला वहीं पे पेंडिंग है? सुनिए, जब उन्होंने ये मान लिया कि हम शहीद किसानों को, उनके बच्चों को नौकरी की व्यवस्था करवाएंगे और उनको मुआवजा देंगे, वो तो मानना पड़ गया। लेकिन जो शहीद मानने की अगर बात करें ना जी, ये देश इतना गिरा हुआ देश है, मैं पहले बात ही वो कही है कि देश को अभी आज़ाद करवाना है। आज तक शहीद आजम सरदार भगत सिंह को तो इन्होंने शहीद का दर्जा नहीं दिया, हमारे किसानों को क्या देंगे? और जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, हमारा 700 किसान शहीद हुआ, हम सोच रहे हैं कि इनकी आँख से हंजू तक नहीं गिरा, तो उनकी आँख से हंजू की उम्मीद क्या करेंगे
जिनका सिंहासन ही लोगों की लाशों के ऊपर टिका हो। गोधरा जैसे कांड हुए, मुजफ्फरनगर जैसे कांड हुए, उसमें से तो ये अपनी कुर्सी निकालते हैं, तो उन लोगों के अंदर हर दहाई दिया, लोगों के अंदर प्यार भावना क्या होगी उन लोगों में। क्या लगता है किसानों की वजह से इन्होंने डर के कर दिया, या फिर यूपी के भी चुनाव साथ में आ गए, ऊपर से किसानों ने भी जोर आजमाया, तब जाकर कहीं ना कहीं पर उल्लू सीधा हुआ। देखो, इन लोगों को ये पता चल गया था जब ये पिछला बाई इलेक्शन आए पूरे भारत में कुछ स्टेटों में, तो इनका जिस तरीके से वहाँ लॉस हुआ है, जिस तरीके से वहाँ इनको ग्राफ नीचे गया है, सुप्रा साहब जैसी बात हुई है, तो इन लोगों को मुझे लग रहा है कि ये पता चला कि 5 स्टेटों में अभी इलेक्शन होने वाला है, बीजेपी का फ्यूचर बेहतर नहीं है, तो उसके लिए इन लोगों की मजबूरी बनी। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमारी सेना है ना, जो इन लोगों को ये अंदर से ये समझ आने लगी थी कि सेना में है कौन, किसान और मजदूर का बच्चा है सेना में, अगर उनकी रोटी छीनती नज़र आएगी ना, वो छोड़ देंगे, वो बागी हो जाएंगे, वो जरूरी नहीं कि इनके लिए, उधर हमारा बेटा तो सरहदों पे इनके लिए मर रहा है, तो इधर उनको उसका बाप इनसे लड़ता मर रहा है, तो क्यों मरेगा जी वो। बहुत लोग आरोप लगाते थे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, माओवादी हैं, आज उनको क्या नज़र आ रहा है। जब हरियाणा वाले भाइयों ने हमारे विचार बैठकर वो हुक्का घुमाना शुरू कर दिया ना, उसी दिन ये बात खत्म हो गई थी कि हम खालिस्तानी हैं या कौन है, उसी दिन समाप्त हो गई। अब सरकार मान गई है तो किसान ही। हाँ, कहना पड़ा कि मैं किसानों को समझा नहीं सका, कहा तो भले यही कि कुछ किसानों को समझा नहीं सका, लेकिन कहा तो यही ना कि मैं किसानों को समझा नहीं सका, तो किसान मानना पड़ा, किसान था तो किसान मानना पड़ना ही था। मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं सर। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो भाइयों एकता बनी है, किसी हाल में पॉलिटिकल लोगों से इतना दूरी बना लो कि ये लोग आपके अंदर घुसकर ये एकता को फिर से खराब ना कर दें, एकता बर्बाद करेंगे पंजाब और हरियाणा की, क्योंकि उन लोगों को पता चल गया, अब उनके लिए और भी खतरनाक है, हम उनको ये पता चल गया कि किसी भी तरह की सरकार की चाल पंजाब हरियाणा अगर इकट्ठे रहेंगे ये सफल नहीं होने देंगे, इसके लिए हमें और भी सतर्क होना पड़ेगा, इनकी चालों में नहीं आना, इनका मतलब मुकाबला करना, इनकी हर चाल को काटना, जैसे पूरा एक साल भर काटते रहे ना, ऐसे ही काटना है। किसानों को कितने बार सरकार के द्वारा तोड़ने का प्रयास किया गया, फूट डालने का काम किया गया, डिवाइड एंड रूल? देखिए, सरकार का शुरू से ही ये प्रयास रहा, आपने देखा होगा एक बार वहाँ एक लड़के का हाथ काटा गया, वो दलित परिवार का लड़का था, तो उस समय भी इन्होंने गांव में जाकर आरएसएस वालों ने वो पत्ता खेलने का प्रयास किया, लेकिन उसको हमने एसकेएम की ओर से हेल्प किया, उसके बच्चे की केयर की, उसका इलाज करवाया, और उसको थोड़ा आर्थिक मदद देनी चाहिए थी, वो दी भी, वो हमारा दूरी बनने की बजाय हमारा प्यार बन गया उन लोगों के, जिन इन्होंने लोगों को भड़काने का हमारे खिलाफ वो भी प्रयास किया, वो भी आपने सुना होगा देखा होगा, एक बार इन्होंने यहाँ तक लाए कि अगर हम बीजेपी वाले ये कह रहे थे हमने एक यात्रा निकालनी है रास्ता खोलो की, तो उस दिन हरियाणा वालों का मैं बहुत बड़ा दिल है, वो हरियाणा वालों ने कंट्रोल किया, ये इसलिए आ रहे थे कि आरएसएस में जितने आदमी आ रहे हैं वहाँ पंगा लेने के लिए, वो सब हिंदू हैं, जब इनसे किसान भिड़ेगा तो किसान ज़्यादातर वहाँ पे सिख चेहरे बैठे हैं, ये मामला सिख और हिंदू का बन जाएगा, लेकिन हरियाणा वालों ने ये कहा, मैं सच हकीकत बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं हरियाणा में बैठा हूँ मैं तब कह रहा हूँ ना, हरियाणा वाले लड़कों ने ये कहा कि अगर वो आते हैं पंगा लेने के लिए, आप पंजाब वालों ने किसी ने आगे नहीं होना, इनके साथ हम भिड़ेंगे, अगर हम भिड़ेंगे तो बात ये होगी कि किसान और बीजेपी वाले भिड़े हैं, अगर आप भिड़ोगे हिंदू और सिख भिड़े हैं, ये चर्चा करेंगे, ये लोग प्रचार ये करेंगे, ये समझदारी से इनकी उस चाल को भी काटा, बार बार ऐसी चालें चलते रहे, हर बार काटा, यहाँ में मतलब हमारे सिंगू बॉर्डर पर आपने देखा होगा
वो एक काट दिया नहंगों ने, वो कांड कर दिया। उसमें पहले ये करना शुरू किया कि सिखों ने एक हिंदू को काट दिया, जब उसकी पड़ताल हुई तो वो पंजाब का ही था, वो भी इनका पता नहीं चला। फिर ये कहा कि एक दलित को काट दिया, वो भी आपने प्रचार सुना होगा, तो जब उसका पड़ताल हुई कटने वाला भी दलित था और काटने वाला भी दलित था, वो भी इनका पता नहीं चला। आपने एक देखा होगा हरियाणा का एक लड़का था, वहाँ पे उसका प्रभावित होकर नहंग बन गया, तो वहाँ पे भी उन्होंने, वो लड़के ने बीड़ी बीड़ी के चक्कर में उसको कोई लाठी वाठी मार दी, उसको भी वैसे ही बनाने का प्रयास किया। जब उसकी भी परत खुली तो पता चला कि जिसके साथ झगड़ा हुआ है वो भी हरियाणा का है, जिसने मारा वो भी हरियाणा का है। तो मेरा कहने का मतलब, हर बार एक छोटी छोटी बात को इन लोगों ने हमारे आंदोलन को तोड़ने का पाड़ने का प्रयास किया, लेकिन एक बार भी उनको सफलता नहीं मिल सकी। यूट्यूबर का कितना साथ मिला सोशल डिजिटल मीडिया का? देखिए मैं ये कहूँ, जान इस मीडिया ने डाली है। नेशनल मीडिया तो हमारे खिलाफ चल रहा था, हमारे आंदोलन में जितना रोल सोशल मीडिया का है इतना हमारा भी नहीं है, क्योंकि जगह जगह पे हर देश के कोने कोने में, वर्ल्ड के कोनों कोनों में जब हमारी खबर जाती थी वो आपके इसी छोटे मीडिया की वजह से जाती थी। दूसरा मीडिया तो हमारी बात नेगेटिव बनाकर भेज रहा था। सरकार की अब नज़रें जो है ना वो अब इन टोल टैक्सों के ऊपर आ चुकी हैं कि अब ये कब खुलेंगे, थोड़ी बहुत खबर आई इनके खुलेगी तो पता चलेगी दो पैसे की इनकम स्टार्ट हो गई। और कुछ लोग परेशान भी हैं, जो ड्राइवर भाई है ना वो ये सोचते यार अब टोल खुल जाएंगे अब उनको पैसा देना पड़ेगा, बोला जी किसान बैठे थे अच्छा था, अब क्या लगता है कब खुलेंगे? देखिए जो घोषणा है वो तो 15 तारीख की हो रही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जो मेरी अंदर की बात पूछनी हो तो, कि किसानों को अब भी टोल फ्री होना चाहिए। जो किसान का झंडा लगाकर गाड़ी निकले उसको टोल नहीं लगना चाहिए, और उस पर हम थोड़ा प्रयास भी करेंगे इसको ठीक करने का। मलिक जी हैं इस टोल के ऊपर, इन्होंने इतना साथ दिया है हद से भी ज़्यादा, ऊपर से एक कॉल आती थी इस अवस्था के अंदर भी ये नहीं देखा कि भाई कुछ पहन रखा है, पैर में जूती है या नहीं है, बस चल पड़ना। क्या कहेंगे ऐसे समर्थकों के बारे में जो आपकी एक कॉल के ऊपर दो सेकंड में चल देते? देखिए आंदोलन चला ही ऐसे समर्थकों की वजह से है, लड़ा ही ऐसे समर्थकों की वजह से गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस दिन से घर से निकले हैं उस दिन से लेकर आज तक, आज वापस जा रहे हैं, वापस घर ही नहीं गए। युवाओं का जिक्र कर लेते हैं, चाहे कुलदीप खरड़ जी हैं, हर जगह पर पहुंचे हैं, जहां पर भी चाहे लाठी डंडे खाने हैं तो भी एक कुलदीप सातरोड़ के नाम का लड़का है, शायद आप उनसे मिले भी होंगे, अभी तक बेड के ऊपर है, डॉक्टर ने यानी कि जवाब ही दे दिया था, बड़ी मुश्किल से दुआओं से उसकी जान बची है। बहुत युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान भी दे दी और आज भी बिस्तरे के अंदर है, उनके सहयोग को लेकर क्या कहें? देखिए अगर ये बात कहें ना जी, हम अगर आंदोलन जीतने की बात फिर करें, ये मैं फिर कहूँगा कि हरियाणा के युवाओं की वजह से आंदोलन जीता गया। क्यों? हरियाणा के युवाओं ने सिर फूटे, टांगे टूटी, बाहें टूटी, सब कुछ हुआ उनके साथ, लग बेशुमार पर्चे मुकदमे दर्ज हुए उनके खिलाफ, लेकिन ये प्रवोक नहीं हुए। जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने नहीं किया, खुद पर लाठियाँ बरसवा ली, खुद का सिर पड़वा लिया, लेकिन वो नहीं किया जो वो चाहते थे। ये इनकी बहुत बड़ी, अपने आप को कंट्रोल में रखना ये बहुत बड़ा कठिन काम होता है। जब कोई लाठी मारता है ना जी तब कंट्रोल रहना बहुत औखा आ जाता है। अगर कोई मेरे मारेगा तो मैं भी, मतलब आज 70 साल का होने को हूँ, मुझे भी गुस्सा आएगा। लेकिन ऐसे जो युवाओं की आप बात कर रहे हो, ऐसे युवाओं की जो आप बात कर रहे हो, इनकी वजह से सब छोटे छोटे बच्चे जो खड़े हैं इन्होंने वो लाठियाँ सहन की हैं, उन्होंने सर पड़वाए हैं, शहादतें दी हैं, लेकिन आंदोलन को हिंसक नहीं होने दिया। अगर हिंसक ना होने देना ही इतनी बड़ी जीत की वजह है। अब चाहे कुलदीप जी हैं, चाहे सरदार जी हैं, बहुत युवा टीम ऐसी है जिनके ऊपर केस दर्ज है, सरकार ने कह तो दिया है कि वापसी ले लेंगे, लेकिन कब कोई तारीख डिसाइड नहीं है। ऐसा ना हो कहीं पे आने वाले बच्चे जो हैं वो भी किसान आंदोलन में थे, पढ़ाई के कारण वो रह जाएं, कहीं पे नौकरी ना लग पाए। आपको शायद इस बात का पता चला होगा कि नहीं चला होगा, मैंने ये बात स्टेज पे कही थी
कि हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के भाइयों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक व्यक्ति का मुकदमा रद्द करवाए बिना नहीं पीछे हटेंगे हम। मैंने उस दिन ये घोषणा की थी कि अगर अनशन पे बैठना पड़ा तो मैं बैठूंगा इन लड़कों के मुकदमों को लेकर, और सरकार ने, अच्छा हुआ उन्होंने घोषणा कर दी कि हम वापस लेते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। एक भी पूरे भारत में, केवल हरियाणा नहीं, केवल पंजाब नहीं, पूरे भारत में जितने लोगों पे भी इस आंदोलन के दौरान मुकदमे दर्ज हुए हैं सभी के रद्द करवाएंगे। अगर दोबारा फिर से आंदोलन लड़ना पड़ा लड़ेंगे। हमने इसीलिए 15 तारीख रखी है, उनकी तो डेट नहीं दी, लेकिन हमने डेट दी उनको कि 15 जनवरी को हमारी बैठक फिर होगी। अब 15 जनवरी तक आप क्या करते हो पूरी समीक्षा की जाएगी उसकी, और उसकी समीक्षा करने के बाद फिर देखेंगे हमने आगे क्या करना है। हरियाणा का भाईचारा पंजाब के साथ में कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है किसान आंदोलन के अंदर, लेकिन पानी की समस्या हरियाणा के अंदर आज भी इंतज़ार यही कर रहा है कि SYL का पानी आ जाए तो थोड़ा सा और मज़ा आ जाए। हालांकि बीजेपी वालों ने एक दिन की भूख हड़ताल भी करी थी इस मुद्दे को लेकर, आपको याद होगा, लेकिन इंतज़ार तो इंतज़ार होता है। अगर खेत के अंदर किसी के पानी लग जाए तो सब फसल हो जाती। देखिए, हरियाणा और पंजाब भाई भाई बन चुके हैं, ऐसे मुद्दों पर अब लड़ेंगे नहीं हम। ये उन लोगों के, राजनीतिक लोगों के खड़े किए मुद्दे हैं। मैं इसके बैकग्राउंड में और पीछे थोड़ा ले जाता हूँ आपको। आपने सर्च करना इस बात को कि एक शारदा जमुना लिंक चैनल का प्रोजेक्ट पे काम चला था, वो बंद करवाया सरकार ने जानबूझकर, और SYL का चलो शुरू करवाया। क्यों करवाया बड़ा, इसकी बहुत बड़ी राजनीति हुई है इसमें। उन लोगों को ये पता चला कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ी कम जड़ी हे भागीदारी करने वाले ये दोनों स्टेट हैं, ये इलाका है। अगर इस इलाके को बांट दिया जाए, पहले मुझे ये बता रहे हैं ना, पंजाब बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी भाई, हम इकट्ठे बैठकर रोटी नहीं खा सकते थे? किसने मांगा था कि हरियाणा पंजाब अलग अलग करो? खाम खान उन लोगों ने इस एक क्रांतिकारी इलाके को तोड़कर दो भागों में बांट दिया। उसके बाद ये मतलब झगड़े पैदा कर दिए, पानी का झगड़ा, जगह का झगड़ा, बोली का झगड़ा, ये झगड़े पैदा कर दिए। हम, मुझे ये बताओ, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, मैं पंजाब का हूँ, ले मुझे तो हिंदी बोलने में कोई दिक्कत नहीं भाई। ये लड़के मेरे पास जाएंगे, 10 दिन रहेंगे, ये सब पंजाबी बोलनी शुरू कर देंगे। ये कौन सा झगड़ा है जो इन लोग खड़ा कर देते हैं हमारे बीच में? और जो आपने पानी की बात करी है ना, हम बैठेंगे, वो प्रोजेक्ट निकलवाएंगे मेरे पुत्रों से, वो प्रोजेक्ट जो शारदा जमुना लिंक चैनल का बंद कर रखा है, वो कितना पानी है जी? 9 MF पानी है उसका। अगर 9 MF पानी यमुना में आ जाता और तो हरियाणा को, राजस्थान का जितने इलाके को पानी लगता वो पूरा होकर पंजाब के 3 जिले उसी पानी से सिंचाई हो सकती है। लड़ाई झगड़ा कहाँ रह गया? एक बात। दूसरी बात, अगर हमारे गले में ये इन्होंने धान किया कि फांसी का रस्सा डाल रखा है, अगर MSP दे दें, हम दाल पैदा करनी शुरू कर लें, ना तो हमें पानी देना पड़े, ना हमें खाद देनी पड़े, ना हमें बिजली लेनी पड़े, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और बहुत कम खर्चे में ज़्यादा मुनाफा आएगा हमारा, हमें ये यकीन है। लेकिन MSP ना देकर पूरे देश को तोड़ने के लिए ऐसी हरकतें की जा रही हैं, क्योंकि बाद में किसान को बोलते हैं इन्होंने पानी मुका दिया। अरे हरामजादों, इन लोगों को MSP दो ना, हम दाल पैदा करेंगे, हम और फसलें पैदा करेंगे। एक छोटा सा सवाल, चाहे केंद्र के अंदर मंत्री हों, चाहे हरियाणा के अंदर मंत्री हों, कृषि मंत्री, क्या कृषि मंत्री बनने योग्य है या नहीं? मैं इस पर और बात करूं, इससे भी आगे बात कर दूं, एक भी MP भारत सरकार के अंदर जो बैठा है मुझे ये बता दे, क्या उसने डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़ी है या किसी ने गैट समझौते को पढ़ा है? मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, सबसे हमारे किसान के लिए वो एक वरदान है, वो किसी ने नहीं पढ़ी, किसी को नहीं पता कि उसमें क्या लिख रखा है। एक बात। दूसरी बात, जो गैट है देश को मारने का काम कर रहा है, आज तक किसी MP को नहीं पता कि गैट के कौन से अध्याय में क्या लिखा हुआ है। ऐसे लोग तो हमारे जा रहे हैं, आप इन कृषि मंत्रियों की क्या बात करोगे? हमारे तो ऐसे मंत्री लगा रखे हैं, तोता सिंह हमारे पंजाब में मंत्री लगा दिया जी, उसने क्या बोला,
प्लस टू है और मंत्री क्या एजुकेशन मिनिस्टर, प्लस टू किया रखा आपने, खुद ने प्लस टू कर रखी है और उसे मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर लगा रखा है। इसी तरह अब हमारा एक एमपी गया है मोहम्मद सदीक, मुझे ये बताओ मोहम्मद सदीक क्या गेट पड़ेगा, क्या डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट पड़ेगा। पहले हमारा एक प्रोफेसर था साधु संघ, हमारा प्रोफेसर है, मैं पढ़ता रहा हूँ उसे, इंग्लिश का प्रोफेसर था। एक बार मैंने अनशन किया, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, उसके बाद तो मैं मेरा पता लेने आया, खबर लेने आया, तो वहाँ पे मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछ लिया कि प्रोफेसर साहब आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट पढ़ी है क्या, क्योंकि मेरी आंदोलन उस समय स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर था। तो उन्होंने बोला नहीं पढ़ी। अरे यार कमाल की बात। अच्छा और ये बताओ गेट पढ़ा है ना, गेट भी नहीं पढ़ा। अरे यार 5 साल आप पार्लियामेंट में क्या करते रहे हो ये बताओ, फिर से आप चाहते हो कि हमें फिर से एक बार फिर एमपी बना दो। जब कोई प्रोफेसर ये कहेगा कि हमने गेट नहीं पढ़ा, हमने स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, हमें पता ही नहीं वहाँ पे लिखा क्या है, वहाँ के उनकी फाइलों में पढ़ा क्या है, तो ऐसे लोग वहाँ भाइयों केवल देश का पेट खर्चने के लिए, धन अपनी तिजोरी में भरने के लिए जा रहे हैं, देश के लिए कृषि को बचाने के लिए कोई कृषि मंत्री नहीं जा रहा, और हमारे नौजवानों के, हमारे विद्यार्थियों को के भविष्य को बना बचाने के लिए कोई हमारा एजुकेशन मिनिस्टर नहीं आ रहा, हमारे लोगों को सेहत सहूलतें देने के लिए कोई हेल्थ मिनिस्टर नहीं आ रहा, सब ड्रामेबाजी हो रही है। कोई भी मैसेज आप उन लोगों को देना चाहते हैं जिसने किसान आंदोलन के अंदर अपने बच्चे भेजे, आपके भरोसे भेजे और आगे भी वो आपके भरोसे भेजने के लिए तैयार भी हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, क्या कहेंगे उन लोगों को जिसने आपके ऊपर विश्वास करके, आँखें बंद करके विश्वास करके आपका साथ दिया। देखिए सबसे पहली तो बात है, जो भी भारत का या भारत में रहता है या भारत से बाहर, जिस जिस भाई ने इस आंदोलन में जिस तरह का भी सहयोग किया, हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, जिन्होंने शहादतें दी हैं, ये आंदोलन उनकी झोली में डालना चाहते हैं, ये जीत उनकी झोली में डालना चाहते हैं जिन्होंने शहादतें दी हैं। और उसके बाद आगे की बात ये है कि मैं सभी उन भाइयों को, उन बहनों को ये कहना चाहता हूँ जिनके बच्चे आंदोलन में हैं, कृपया ये ज़रूर समझ लें इस आंदोलन से कि शांतिपूर्वक ढंग से चला हुआ आंदोलन जीत सकता है और पूरी की पूरी मांगे मनवा सकता है, 100% जीत प्राप्त कर सकता है अगर हम शांति रखेंगे तो। बस यही एक सबक पढ़ाने की ज़रूरत है बच्चों को, जीत जाएंगे। हाँ जी, कोई भी मैसेज देना चाहते हैं जनता को दे सकते हैं, राजवाल जी सामने आप इनको कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से हम कह सकते हैं। भाई मैं तो जो है पब्लिक को एक ही बात कहना चाहूँगा, जो भी ये किसान योद्धा हैं जिन्होंने भी किसान आंदोलन में हिस्सा लिया है, ये अभी जो है किसान की जीत होने के बाद में जो है वापस जो है चुपचाप घर में ना बैठें, अपना संगठन जो है मजबूत का मजबूत रखें और आगे ये ना समझे कि भाई अभी हमारी जंग पूरी हो गई है, अभी हमारी लड़ाइयाँ और बाकी हैं। जीवन में कभी भी जो है शांत नहीं बैठना, अपना जो है भाई संगठन को मजबूत करना और अपने इलाके की, अपने एरिया की जो भी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं को दूर करने का कार्य करें और संगठित रहें। ये धन्यवाद कुलदीप जी, युवा गुण से आप क्या कहें? हम तो एक ही बात कहेंगे, जो पूरा संयुक्त किसान मोर्चा हमारे लिए भगवान है और आगे से जो संयुक्त किसान मोर्चा निर्णय लेगा हम इनके साथ हैं।